This is Dr. Neetu Mathur. BSc Part 1 का Paper 3 Gamete and Developmental Biology हम पढ़ रहे थे. उसी में जो next topic है वो है अनिषेचक जनन या parthenogenesis. Parthenogenesis एक अलैंगिक प्रकार का जनन होता है जिसमें कि मादा गेमेट बिना किसी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेट विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन. एनिमल्स जैसे कि बीज, वास्प, मक्खियां, वास्प, चींटियां, उनके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता. ये जंतु पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेचक जनन द्वारा डेवलप होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं. कुछ प्लांट्स, कुछ रेप्टाइल्स, कुछ मछलियां भी अनिषेचक जनन द्वारा जनन कर सकती हैं. पार्थेनोजेनेसिस का जो टर्म है वो 1849 के अंदर रिचर्ड ओवंस के द्वारा दी गई थी. दो तरह का पार्थेनोजेनेसिस देखते हैं. Parthenogenesis may be differentiated into two types, प्राकृतिक अनिषेचक जनन natural parthenogenesis और artificial parthenogenesis या कृत्रिम अनिषेचक जनन. सबसे पहले हम देखते हैं natural parthenogenesis. इसको हम virginal reproduction भी कहते हैं और luval forms के अंदर ये होती रहती हैं. कुछ जंतुओं के अंदर खाली इसी तरीके से जनन देखा जाता है और कुछ अलग में ये एक सेक्स डिटरमिनेशन का मैकेनिज्म होता है, यानी कि जो सेक्स है उसका निर्धारण करने के लिए. जो एडल्ट्स इस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड अगुणित या द्विगुणित क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं. नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, पूर्ण और अपूर्ण. जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है, पूर्ण अनिषेचक जनन है, एफिड्स की कुछ प्रजातियां एंड फाइलोपोड्स के अंदर एक्सक्लूसिवली मेल्स और फीमेल्स उसमें होते हैं. मेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं. देयरफॉर एवरी इंडिविजुअल अराइजेस फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग. अनफर्टिलाइज्ड एग से ही जो माता के द्वारा दिया जाता है उसी से ही एक नए जीव का जन्म हो जाता है, क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं. इनके अंदर डिस्टिंक्ट प्रकार का जेनेटिक सिस्टम होता है और रिकॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता है, पुनर्योजन जो होता है वो नहीं देखा जाता. इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो बीज है, वैस्प है, एफिड्स है, वन और मोर पार्थोजेनेटिक रिजनरेशन ऑल्टरनेट विद बाइसेक्सुअल. एक एनुअल साइकिल होती है, वो एकांतरण में चलती रहती हैं. तो उसको हम पार्शियल या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं. ये एक आंशिक तरह की साइक्लो पार्थेनोजेनेसिस होती है. नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं. हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जिसको एरिनोटोकी भी कहते हैं, हाई मेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा, रोटीफेरा, आर्किनिडिया, जो कि जो मादा नर हैं मेल्स, वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप हो जाते हैं. और अगर क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं तो वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं. और लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो फर्टिलाइज एग से डेवलप होती हैं तो वो डिप्लॉइड होती हैं. डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस या थेलियोटेकी जो होती हैं उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो अबॉर्टिव होता है, नहीं होता है. ठीक है, तो डिप्लॉइड एग्स ही बनते हैं. अर्धसूत्री विभाजन अगर है ही नहीं, रिडक्शनल डिवीजन है ही नहीं, तो डिप्लॉइड एग्स ही बनते हैं. तो वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण हो जाता है. इसको फिर हम दो पार्ट में बांटते हैं डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को. एक तो मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस और एक एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस.
मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस में कुछ क्रस्टेशियंस में, हाइमेनोप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा में क्या होता है कि अंडीभवन के डेवलपमेंट के दौरान, अंडीभवन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जब अंडे का निर्माण होता है उसके अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जाती है मियोटिक डिवीजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, जिसमें कि डिप्लॉयड ओवा भी बनता है और डिप्लॉयड इंडिविजुअल बन जाता है। और एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस में कुछ क्रस्टेशियंस और मोलस्क आते हैं जिसमें कि पहला अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, कंप्लीटली सप्रेस्ड होता है, तो दूसरा ही अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे डिप्लॉयड अंडे बन जाते हैं और वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। इसको एपीमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि ये तो अभी तक हमने देखा नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कृत्रिम अनिषेचक जनन में वो जो जो कि यंग इंडिविजुअल में फर्टिलाइजेशन के द्वारा अंडे डेवलप होते हैं वो आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर कई सारे केमिकल्स से ये अनिषेचक जनन इंड्यूस किया जाता है या फिजिकल तरीके से भी इंड्यूस किया जा सकता है। ये पार्थेनोजेनेसिस या तो अगणित कोशिका पे करते हैं या द्विगुणित पे, दोनों पे किया जा सकता है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, जो अगणित अनिषेचक जनन है ये रेयर फॉर्म ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है जो कुछ मक्खियों, निमेटोड्स और प्लांट्स में होता है। और वो जो इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, प्रजाति जो है जो अगुणित अंडों से डेवलप होती है वो अगुणित एडल्ट ही बनाती है। दूसरी तरफ डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस ज़्यादा कॉमन होता है और ज़्यादा ये चलता है ऑटोपिक्सिस की जो प्रक्रिया है ऑटोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस में, इज अ पोस्ट मियोटिक प्रोसेस, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में होता है, जिसमें जो हैप्लॉयड कोशिका होती है या तो वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लेती है या दूसरी हैप्लॉयड कोशिका के साथ मिल जाती है, तो उसमें अपने आप ही मिक्सिंग होकर डिप्लॉयड बन जाती है। दोनों ही केसेस में डिप्लॉयड जायगोट बन जाता है और फिर वो डिप्लॉयड एडल्ट को बनाता है। ये ट्रू क्लोन्स नहीं होते हैं मदर के, क्योंकि मियोटिक प्रोसेस जो होता है उसका काम तो होता है रिकॉम्बिनेंट जीन्स जो होती है जेनेटिक मटेरियल को अलग करना, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। दूसरा तरह का जो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है वो कहलाता है एपोमिक्सिस। तो इसमें क्या होता है कि मियोसिस को ही कंप्लीट फोरगो कर देते हैं और मियोसिस के कंप्लीट फोरगो होने से तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस होता है। इंसेक्ट्स जो हैं हाइमेनोप्टेरा के, जिसमें कि बीज, वेब्स और एंट्स आते हैं, तो इन तीनों में से एरियोटॉकी, थीलियोटॉकी या डिटेरोटॉकी में से कोई से भी एक तरीके से उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। इन एरिनोटॉकी हैप्लॉयड मेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, जो कि इम्प्रेग्नेटेड फीमेल से या सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री क्वींस के द्वारा दिए जाते हैं। थेलियोटॉकी के अंदर सब ऑर्डर्स सिम्फाइटा के अंदर देखा जाता है, इसमें अनमेटेड फीमेल्स जो होती हैं वो मेल प्रोड्यूस करती हैं। डिटेरोटॉक्सी के अंदर अनमेटेड फीमेल्स जो होती हैं वो फीमेल्स भी प्रोड्यूस करती हैं, मेल्स भी प्रोड्यूस करती हैं। तो एपिस में 1% ऑफ एग्स लेड बाय सेकेंडरी क्वींस में भी फीमेल। एरियोटॉकी, थीलियोटॉकी और ड्यूटेरोटॉकी के अंदर एक सूडो रियोटॉकी भी देखी जाती है। ये नॉन पार्थेनोजेनेटिक फॉर्म है रिप्रोडक्शन की, जो हाइमेनोप्टेरन में होती है, कुछ माइट्स में भी होती है। तो इस पेरेंटल कंट्रीब्यूशन जीनोम के अंदर लॉस्ट हो जाता है और एक नंबर ऑफ पार्थेनोजेनेटिक वेरिएशन जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। कुछ एफिड्स और वाटर फ्लीज के अंदर टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस को हेटरोगोनी भी कहते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स भी अल्टरनेट विद दोस प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, एक अंतरण क्रम में फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड अंडों से जनरेशन प्रोड्यूस होती है। पार्थेनोजेनेसिस के क्या फायदे हैं, तो उनको रिप्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है और अपने बर्थ के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं,
और एनिमल्स जो कि एनवायरनमेंट पर रहते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं, जो छोटे टाइम के लिए, वो ज़्यादातर पार्थ में जेनेटिक होते हैं, क्योंकि मेटिंग के अंदर टाइम लगता है और ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिजम्स में के पास टाइम नहीं होता है, तो इनको लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि लो सर्वाइवल रेट है, उसको कंपनसेट करने के लिए पार्थेनोजेनेसिस फायदेमंद रहता है। कई सारी ऑफस्प्रिंग्स होती हैं ड्राई मंथ्स के अंदर, जिंदा नहीं रह पाती हैं, और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन भी नहीं मिलता है, तो ऑर्गेनिज्म जो होती है ग्रेटर क्वांटिटी में ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती हैं ताकि इनकी जनरेशन चलती रहे। तो जो पार्थेनोजेनेसिस है वो चेक करता है नॉन अडेप्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को जो कि म्यूटेशन से हो सकती है। थैंक यू।